संजय जी एंड विशाल जी पूछ रहे हैं कि अन्ना के आंदोलन के दौरान बनाए गए जन लोकपाल में शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाने पर क्या जुर्माना था? क्या उसे सजा की उसमें सजा की प्रावधान था या फिर ओनली मॉनिटरी वाज द क्लॉज? देखिए, इस बात पर बहुत चर्चा हुई थी जॉइंट ड्राफ्टिंग कमिटी में। हम लोग ये मानते थे कि इसमें साल भर की या कोई भी जेल की सजा देना बहुत सारे शिकायतकर्ताओं को डेटर कर देगा, बहुत सारे डर जाएंगे उससे। तो इसलिए हम लोगों ने जो जन लोकपाल बिल बनाया था उसमें ये जेल का प्रावधान नहीं डाला था। गलत कंप्लेंट पर भी सिर्फ 1 लाख की मैक्सिमम पेनल्टी का प्रावधान डाला था। वही चीज हम लोगों ने उत्तराखंड के लोकपाल बिल में भी डाली थी। लेकिन दिल्ली का 2014 वाला जो था उसमें ये 1 साल का जेल का भी किसी तरह से आ गया, क्योंकि वो आखिर में अरविंद ने ही ड्राफ्ट करके डाल दिया था। तो इस वजह से 2014 में ये 1 साल का इम्प्रिजनमेंट भी आ गया था, 1 लाख पेनल्टी के अलावा। लेकिन उसमें यह साफ साफ लिखा है कि वो तभी होगा अगर कंप्लेंट मेलाफाइडी पाए जाए, यानी कि अगर जानबूझ के किसी ने अगर ये पाया जाए कि किसी ने जानबूझ के झूठी कंप्लेंट दी है तभी, सिर्फ फॉल्स कंप्लेंट पे नहीं। अब जो ये लोग बिल लाए हैं इस पर तो इस तरह से लिख दिया है जिससे कि ऐसा लगता है कि सिर्फ फॉल्स कंप्लेंट पर भी 1 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है।